नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संसद में गतिरोध दूर करने के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज सदन में राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। G20 देशों के अनुसंधान और नवाचार समूह का सम्मेलन आज असम के डिब्रूगढ़ में शुरू होगा। अमेरिका में बैंकिंग संकट के बीच केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% की वृद्धि की। बासल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणय दूसरे दौर में पहुंचे और विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहाई, नीतू घणघस, निकहत जरीन और स्वीटी बूरा ने भारत के लिए 4 पदक पक्के किए। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में गतिरोध समाप्त करने की कोशिश में आज सवेरे 10 बजे राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। लोकतंत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी और अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। राज्यसभा के सभापति ने मंगलवार को भी विभिन्न पार्टियों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन में गतिरोध समाप्त करने के लिए सदन के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से सदन को चलाना ही प्राथमिकता है। श्री बिरला ने कहा कि हम सभी को सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए ध्यान देना चाहिए और विधायी कामकाज अवश्य होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का अनावरण करेंगे। इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विकसित किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य हजारों वर्ष पुरानी वैदिक ज्ञान परंपरा से जुड़ी व्यापक सामग्री को साधारण व्यक्ति से लेकर शोधार्थियों और विद्वानों के लिए सुलभ बनाना है। गृहमंत्री 64 कलाओं पर वर्चुअल संग्रहालय का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। श्री मोदी वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे और साथ ही 1780 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में इंटीग्रेटेड पैक हाउस भी शामिल है। ये वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के करखियाओं में बनाया गया है। इससे वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आधुनिक उपकरणों से लैस इस पैक हाउस के जरिए इलाके की फल और सब्जियों को, खासतौर पर बनारस के मशहूर लंगड़ा आम को, जापान, कोरिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भेज पाना मुमकिन होगा। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक CV सिंह ने कहा कि ये पैक हाउस यहाँ के किसानों और विशेष तौर पर FPO के लिए वरदान साबित होगा और इससे इलाके से हो रहे मौजूदा निर्यात को दोगुना पहुँचाने की उम्मीद है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैक हाउस का उद्घाटन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को करेंगे, इसके उपरांत जो पूर्वांचल के सब्जियों का निर्यात केवल गल्फ कंट्री तक सीमित था, हम अब यूरोप, UK, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, अन्य ऐसे कंट्री जहां पर नहीं भेज पा रहे थे, यहां से ट्रीटमेंट होकर के यहां के आम और सब्जियां जा सकेंगी। स्पेशली हम बात करें तो बनारसी लंगड़ा जो पूरे विश्व में एक पहचान रखता है, ऐसे आम की मांग पूरे विश्व में है। जब यहां से ट्रीटमेंट होगा तो वो सीधे विश्व को निर्यात करेंगे, जिसका सीधा लाभ यहां के किसानों, यहां के FPO, खास करके वो FPO जो एपिडानियम को निर्यातक बनाया है, उसका सीधा लाभ ले पाएंगे। अपने तरीके का ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और लखनऊ के बाद तीसरा और पूरे पूर्वांचल इलाके का पहला इंटीग्रेटेड पैक हाउस है। 15,78,00,000 रुपए की लागत से 4,461 स्क्वायर फीट में बना ये पैक हाउस मेक इन इंडिया अभियान का सशक्त उदाहरण है, जहां सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा भी मौजूद होगी। मनीष सिंह के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। G20 देशों के अनुसंधान और नवाचार पहल पर 2 दिवसीय सम्मेलन आज असम के डिब्रूगढ़ में शुरू होगा। इस सम्मेलन में संधारणीय और चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था निर्मित करने के तरीकों पर चर्चा होगी।
इस अवसर पर वैज्ञानिक समुदाय के आमंत्रित भागीदारों सहित G20 सदस्यों के लगभग 100 प्रतिनिधि आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन में कृषि की चुनौतियों और अवसरों, हरित उद्योग और जैव ऊर्जा तथा जैव संसाधन प्रबंधन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। G20 देशों की संधारणीय वित्तीय कार्य समूह की दूसरी बैठक आज राजस्थान के उदयपुर में संपन्न होगी। बैठक के दूसरे दिन कल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 3 सत्र हुए जिनमें संधारणीय विकास लक्ष्यों के लिए वित्त जुटाने की मौजूदा प्रणालियों तथा नए तरीकों की पहचान करने पर विशेष चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, कंपनियों के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षाविद, नीति निर्धारक और बैंकिंग विशेषज्ञ भी कार्यशाला में मौजूद थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। तीन महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी, क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने फिर अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। हाल ही में बैंकों के विफलता के कारण पैदा वित्तीय संकट की आशंकाओं के बावजूद ब्याज दर बढ़ाई गई है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% की वृद्धि की है। फेडरल रिजर्व ने कहा है कि उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए और भी फैसले लिए जा सकते हैं। बढ़ती कीमतों के दबाव को कम करने के लिए फेडरल रिजर्व ऋण की लागत बढ़ाता जा रहा है, लेकिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी से बैंकिंग व्यवस्था पर भी बोझ बढ़ा है। बढ़ती ब्याज दरों के बोझ से अमरीका के 2 बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, खस्ताहाल हो गए हैं। हालांकि बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि इन दोनों बैंकों की विफलता से बड़े पैमाने पर वित्तीय अस्थिरता का कोई खतरा नहीं है और ऐसी किसी आशंका से मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के प्रयासों से ध्यान नहीं हटना चाहिए। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड और इन्फ्लुएंजा की स्थिति के आकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारियों, टीकाकरण अभियान की स्थिति, कोविड के नए वेरिएंट और इन्फ्लुएंजा के उभरने और इससे जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का आकलन किया। देश में इन्फ्लुएंजा और पिछले 2 हफ्तों में कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए ये उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। केरल में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 1,000 से अधिक होने के मद्देनजर राज्य सरकार ने अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में 172 नए मरीजों के सामने आने से कोविड के कुल रोगियों की संख्या 1,026 हो गई है। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए एक निशुल्क मोबाइल ऐप AIS शुरू किया है। इस ऐप की मदद से करदाता वार्षिक आय सूचना विवरण और करदाता सूचना सार में दर्ज अपना विवरण देख सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से स्रोत पर कर कटौती यानी TDS, ब्याज, शेयर लेन देन, कर भुगतान, आयकर रिफंड और GST से संबंधित जानकारी उपलब्ध रहेगी। और अब खेल समाचारों के साथ हैं फरहत नाज। नई दिल्ली में चल रही विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोइन, नीतू गणघस, निखत जरीन और स्वीटी बोरा ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए 4 पदक पक्के कर दिए हैं। लवलीना बोरगोइन ने 75 किलोग्राम वर्ग में मोजाम्बिक की रेडी ग्रामीण को 5-0 से परास्त किया। सेमीफाइनल में उनका सामना चीन की ली छियन से होगा। राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन नीतू गणघस ने 48 किलोग्राम वर्ग में जापान के माडोका वाडा को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना कजाकिस्तान की अलुआ बाल्किवो बेकोवा से होगा। 50 किलोग्राम वर्ग में निखत जरीन ने थाईलैंड की
छूतामेत रक्सत को 5-2 से पराजित किया। सेमीफाइनल में अब उनका मुकाबला कोलंबिया की इंग्रिड वेल्सिनिया से होगा। 81 किलोग्राम वर्ग में स्वीटी बोरा ने बेलारूस की विक्टोरिया केबिकावा के खिलाफ 5-0 से शानदार जीत दर्ज की। स्वीटी अगले दौर में ऑस्ट्रेलिया की एमा सू ग्रीन टी से खेलेंगी। वहीं बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने कल रात बासल में स्विस ओपन के महिला एकल के पहले दौर में जंजीरा स्टेडलमैन को 21-9 21-16 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत एचएस प्रणय मिथुन मंजुनाथ और पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी ने भी दूसरे दौर में प्रवेश किया। हालांकि लक्ष्य सेन सी लेकचो ने 18-21 से उन्हें मात दी। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा। लोग आवाज और सीधा संवाद यानी हमारे आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। परंपरा और संस्कृति की पूंजी और वैज्ञानिक सोच की आधुनिक ताकत का मेल हो तो दुनिया की हर दौड़ में जीत हासिल की जा सकती है। आधुनिकता की परख वैज्ञानिक सोच से ही आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भारत के ज्ञान परंपरा को वैज्ञानिक सोच का साथ मिलता रहा तो देश को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। 28 फरवरी 2016 को मन की बात में इसे बढ़ावा देने का संदेश भी इसका ही विस्तार है। 28 फरवरी 1928 सर सीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। यही तो खोज थी जिसने उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसलिए देश 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाता है। जिज्ञासा विज्ञान की जननी है। हर मन में वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान के प्रति आकर्षण हो और हर पीढ़ी को इनोवेशन पर बल देना होता है और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना इनोवेशन संभव नहीं होते। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानु का इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद विमलेंदु। भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, डिजिटल क्रांति के अगले चरण की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत। प्रधानमंत्री ने जारी किया भारत 6G दृष्टिपत्र, कहा 5G शुरू होने के 6 महीने बाद ही 6G की कर रहे बात। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर अवैध पोस्टर चस्पा करने पर 150 एफआईआर दर्ज, प्रिंटिंग प्रेस के 2 मालिक सहित 6 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने संपत्ति बदरंग अधिनियम और प्रेस संबंधी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। अमर उजाला की खबर है, 31 मार्च तक रविवार को भी खुलेंगे बैंक, आखिरी दिन सिर्फ जमा होंगे चेक, ऑनलाइन बैंकिंग रात 12 बजे तक खुली रहेगी, 1 और 2 अप्रैल को बैंकों में कामकाज नहीं होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियमों पर हिन्दुस्तान की सुर्खी है, म्यूचुअल फंड में 31 मार्च तक जोड़े नॉमिनी का नाम नहीं तो होगा खाता बंद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में गतिरोध दूर करने के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज सदन में राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। G20 देशों के अनुसंधान और नवाचार समूह का सम्मेलन आज असम के डिब्रूगढ़ में शुरू होगा। अमेरिका में बैंकिंग संकट के बीच केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% की वृद्धि की। और बासल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।